नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं और उस वीडियो में मैं आपको आपके शरीर के वीक पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर कोई लेडीज, बच्ची, महिला या जेंट्स किसी भी मुसीबत में फंस जाए और उन 10 वीक पॉइंट्स को यूज़ करके वो कहीं पर भी बच सकता है और अपने दुश्मन को मात दे के वहाँ से भाग सकता है। आप देखते रहिए मेरा वीडियो, धन्यवाद। दोस्तों इस पहली ट्रिक में आपको क्या करना है, कोई भी दुश्मन अगर आपका हाथ इस तरह से पकड़ता है तो आपको अपने हाथ से नेकल बनाना है। नेकल का मतलब ऐसी मुट्ठी नहीं, नेकल का मतलब आपकी जो बीच वाली उंगली है उसको ऐसे निकाल देना है। आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, आपकी बीच वाली उंगली को आपको ऊपर निकाल देना है, ये नेकल कहलाता है। नेकल बनने के बाद आपको दुश्मन के इस जगह मारना है, इस जगह पे मारेंगे तो आपका दुश्मन नर्वस हो जाएगा और आपको तुरंत रिलीज़ करेगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इस तरह का अटैक आप तेज ना करिए वरना दुश्मन मर भी सकता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया, अपने हाथों से मुक्का बनाया और दुश्मन के नाक और लिप्स के बीच में जो जगह होती है हमने उसके यहाँ मारा। दोस्तों ये बहुत ही नाजुक पॉइंट होता है, अगर आप किसी भी दुश्मन को यहाँ मारेंगे तो दुश्मन नर्वस हो जाए। दोस्तों इस थर्ड ट्रिक में आपने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। इस थर्ड ट्रिक में आपको कोई भी दुश्मन पकड़ता है तो आपको ये जो गला होता है इस गले पे प्रहार नहीं करना है, इससे दो इंची आगे ये देखिए, ये जो गड्ढा होता है इस तरफ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गले की जो हड्डी है इससे दो उंगली पीछे जो यहाँ गड्ढा होता है आपको अपनी कलाई से यहाँ वार कर देना है। जैसे ही आप दुश्मन को वार करेंगे दुश्मन आपका दर्द से बहुत ज़ोर से करा उठेगा और आपको वहाँ से रिलीज कर देगा। दोस्तों यदि हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई हमारा पर्स खींचने की कोशिश करता है तो अपने बचाव में हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों पसलियों के बीच की जगह है जिसे सोलर फ्लेक्स कहते हैं, अपनी मुट्ठी बना के यहाँ अटैक कर सकते हैं जिससे वो दर्द से करा उठेगा और हमें छोड़ देगा। दोस्तों अगर कोई राह चलते आपको इस तरह से छेड़ने की कोशिश करता है या आपको पकड़ने की कोशिश करता है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, इसमें आपको आपके हाथ से जो ये जगह होती है पसलियों के जस्ट नीचे वाली जगह, ये बहुत ही नाजुक जगह होती है, अगर आप यहाँ पे मुक्के से प्रहार कर देंगे जोर से तो दुश्मन वहाँ का वहाँ ढेर हो जाएगा और दर्द के मारे करा उठेगा और आपको छोड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप दुश्मन के हाथ पकड़ के उसी जगह पे ज़ोरदार किक मार देते हैं, देखिए फिर से ज़ोरदार अगर आप यहाँ किक मार देते हैं तो भी दुश्मन आपका ढेर हो जाएगा और वहाँ से आपको रिलीज कर देगा और आप वहाँ से बच के जा सकते हैं। दोस्तों रास्ता चलते अगर कोई आपको छेड़ने की कोशिश करता है, इस तरह से पकड़ने की कोशिश करता है तो आप अपने पैर से उसके मेन पॉइंट पर अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद दुश्मन आपको बहुत ही आसानी से रिलीज कर देगा और आप वहां से बच के जा सकते हैं। जय हिंद। दोस्तों अगर कोई बंदा आपको पीछे से छेड़ने की कोशिश करता है या पीछे से आगे आके आपको छेड़ने की कोशिश करता है तो आपको इस ट्रिक में दुश्मन के ये जो घुटना होता है यहाँ पे जोर से मारना है। जैसे ही आप घुटने पे मारेंगे बंदे का घुटना पीछे जाएगा और वो नर्वस होके गिर जाएगा और आप वहाँ से भाग कर जा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई बंदा आपको छेड़ने की कोशिश करता है या आपको पकड़ने की कोशिश करता है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, जैसे ही दुश्मन ने आपका हाथ पकड़ा और आपने दुश्मन के पीछे जाकर उसके नी जॉइंट पे मारा
जैसे ही आप उसके नी जॉइंट पे मारते हैं बहुत ही ताकत से दोस्तों, तो दुश्मन आपका सीधे नीचे घुटनों के बल टिक जाएगा और आपको वहाँ से रिलीज कर देगा और आप वहाँ से बचकर जा सकते हैं। दोस्तों अगर कोई आपको छेड़ने, परेशान करने या नुकसान करने की कोई कोशिश करता है और आपको पकड़ता है, तो हमारे शरीर का एक वीक पॉइंट और होता है, ये आपको दुश्मन के साथ क्या करना है, ये देखिए दुश्मन ने आपको अगर पकड़ रखा है तो आप अपने हाथों को दुश्मन के इस तरह से लाएंगे और दुश्मन को पीछे कर देंगे। उस स्थिति में दुश्मन आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और आप वहाँ से बचकर जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यदि रास्ते में आप चल रहे हो और आपको कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने हाथ का यूज़ कर सकते हैं, अपनी चारों उंगलियों का यूज़ करिए और जो वो बंदा है उसकी थोड़ी के नीचे इस तरह से आप प्रहार कीजिए तो उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो नीचे गिर जाएगा। बिकॉज गर्ल्स के क्योंकि नेल्स होते हैं तो बहुत अच्छा आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से करके उनको बहुत ज़्यादा आप परेशान कर सकते हैं और पीछे धकेल सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे करें जिससे हमारी आने वाली और वीडियोज़ आप तक बहुत ही आसानी से पहुँचती जाएँ और आप उन वीडियोज़ का बहुत ही आनंद से लाभ ले सकें और जीवन में कुछ कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।